नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो मैं नाइन्थ क्लास के लिए बना रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज हम एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास में साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर का लेसन तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत ही शानदार है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। एक एक वर्ड को ढंग से सुनना, समझना और उनका जो भी एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ उन्हें उसे याद रखना है। हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास में जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ किसने नाम दिया, कब से पदार्थ प्रचलन में आए, पदार्थ कैसे होते हैं, उनकी अवस्थाएं कैसी कैसी होती है और अवस्थाएं किसके आधार पर होती है। एक तो भौतिक अवस्थाएं होती है और एक रासायनिक अवस्थाएं होती है। हम इस चैप्टर में केवल भौतिक अवस्थाओं के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। हम हमारे चारों ओर जब नजर फैलाते हैं तो हमें बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती है, हमें बहुत सारे मतलब आइटम्स दिखाई देते हैं। वो वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, समझो मेरी बात को, वो वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, जैसे डस्टर है मेरे पास, ये मार्कर है, ये भी किसी से बना होगा, बुक है वो भी किसी से बनी होगी, ईंट है, पत्थर है या खाने की सामग्री है, तो ये कोई भी वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, वो जिस सामग्री से बनी होती है उस सामग्री को पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया उसे? पदार्थ नाम दिया। पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास दिखाई देने वाली वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। समझ में आ गया? अब पदार्थ क्या है और किस तरह से है? देखिए, हमारे आसपास जब हम श्वास लेते हैं, हवा, वायु, वो भी एक पदार्थ से बनी है। वायु है, जल है, पृथ्वी है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी सामग्री से बनी है और वो सामग्री है, उसका नाम है पदार्थ। यहां तक हम कह सकते हैं कि पानी की एक बूंद भी एक पदार्थ से बनी है। हवा का एक कण, रेत का एक कण भी एक पदार्थ से बना है और वो पदार्थ, उस पदार्थ में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मीन्स उसमें भार होता है, वेट होता है। हालांकि वेट और द्रव्यमान साइंस की दृष्टि में बिल्कुल अलग है, बट सिंपल वे में समझना चाहें तो द्रव्यमान मीन्स भार होता है उसमें। और भार कितना होता है, कैसा होता है, ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी अवस्था क्या है। और वो सारी वस्तुएं, वो सारे पदार्थ स्थान भी घेरते हैं। और स्थान घेरने का मतलब होता है उसका आयतन, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, आयतन। समझिए, जैसे डस्टर है, इस डस्टर को मैंने हाथ पे रखा तो इसने हाथ पर तो स्थान घेरा ही, बट इसने हवा में भी अपनी जगह कवर की है। कोई वस्तु किसी समतल पर जितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे हमने आयत बनाया तो आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन नहीं होगा। त्रिभुज बनाया, वर्ग बनाया, वृत्त बनाया, इन सब का क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। गुरुजी, क्यों नहीं होता है क्षेत्रफल, क्यों होता है? क्योंकि ये केवल समतल के ऊपर ही स्थान घेरते हैं। कौन? आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। ये सिर्फ समतल, प्लेन में यहां बनाऊंगा वृत्त, तो सिर्फ इसने इस बोर्ड पे स्थान घेरा, हवा में स्थान नहीं घेरा। पर मैंने यहां डस्टर को रखा तो डस्टर में बोर्ड की इतनी जगह तो कवर की, बोर्ड इतना हमें दिखाई नहीं देगा,
इतनी जगह किसने ढक ली, किसने कवर कर ली, डस्टर ने कर ली, बट इसका कुछ भाग हवा में भी आ गया, यानी इतना ऊपर उठ के आया तो इतना भाग हवा में भी इसने कवर कर लिया। कवर कर लिया इट मींस यहां हम कोई दूसरी वस्तु नहीं ला सकते, इसने अपना यहां पर कब्जा कर लिया। तो जब कोई वस्तु किसी समतल, इस बोर्ड को हम एक समतल, समतल मतलब प्लेन सरफेस जिसे कहते हैं, पृष्ठ जिसे कहते हैं, ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर जितना स्थान घेरती है वो क्षेत्रफल है, और पृष्ठ के साथ साथ हवा में भी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने जमीन पर तो जगह घेरी रखी है बट मैंने हवा में भी इतनी जगह कवर कर रखी है। इसका बहुत शानदार आयतन का बहुत शानदार आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आपने एक बाल्टी को लबालब पूरा पानी से भर रखा है ऊपर तक, आप देखिए आप उसमें कागज डालिए या एक पत्ता डालिए या फिर एक प्लेट, प्लेट कैसी, लोहे की पतली, लोहे की पतली परत की प्लेट, पत्ती से करें, छोटी सी पत्ती का टुकड़ा लेकर उस पानी में डालिए, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपने पत्ता डाला, कागज डाला, लोहे की एक छोटी सी प्लेट उसमें डाली, पतली सी प्लेट उसमें डाली, क्या बाल्टी से पानी बाहर आया? 101% देखना स्टूडेंट्स, बाल्टी से पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूं, देखिए। अब आप दूसरी बार क्या करिए, उसमें एक ईंट उठा के डाली, एक पत्थर उठा के डाली, आप देखिए बाल्टी से पानी बाहर आएगा। आपने ईंट पानी से भरी बाल्टी में आपने ईंट डाली तो पानी बाहर आया, पर आपने पत्ता डाला, कागज डाला या लोहे की पतली एक प्लेट, प्लेट यानी एक आयताकार प्लेट बनाकर उसमें डाल ली, तब पानी बाहर नहीं आया था, पर ईंट डालने पर पानी बाहर आता है, क्या कारण है? इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपने लोहे की एक प्लेट डाली, एक आयताकार प्लेट बनाकर पानी में डाली, तो उसने केवल उस बाल्टी की सतह पर ही, यानी उसके पृष्ठ पर ही, उसके समतल पर ही, उसके आधार पर, उसके पेंदे पर ही जगह कवर की, जगह घेरी, पर हवा में उठकर उसने अपना स्थान नहीं घेरा। इसलिए पानी तो क्या पड़ा था, केवल पेंदे पे नहीं चिपका हुआ नहीं था पानी, प्लेट तो जाकर पेंदे पे चिपक गई, पर पानी केवल पेंदे पे नहीं चिपका हुआ था, पानी हवा में यानी पानी ऊपर भी भरा हुआ था। पर ईंट जब डाली तो ईंट ने पेंदे में तो जगह घेरी, जितनी उसकी आकार है, जितना उसका लंबाई चौड़ाई है, उतना आकार उसने पेंदे में तो घेरा ही, बट इतनी ऊंची भी है ईंट, इसलिए उसने हवा में भी स्थान घेरा, और हवा में जितनी दूर में पानी भरा हुआ था उतनी दूर का स्थान, उतनी जगह उसने ईंट ने घेर ली, तो वहां ईंट आ गई, तो वहां से पानी को हटना पड़ेगा, और पानी हटा तो बाल्टी पूरी भरी हुई थी, बाल्टी में पानी समाहित होने की जगह नहीं थी, तो पानी कहां गया, बाहर आ गया। तो यहां फर्क क्या हुआ कि वो जो मैंने आयताकार एक प्लेट बनाकर डाली थी उसमें सिर्फ क्षेत्रफल है, और ईंट में क्या है, क्षेत्रफल तो है ही क्योंकि उसके पृष्ठ है, ईंट के छह भाग होते हैं, देखो ऐसे ये ईंट की तरह है, छह भाग इसमें, एक दो तीन चार, एक दो तीन, और मैं ऐसा पीछे भी चार, ऊपर पांच और नीचे छह, ऐसी होती ईंट। तो ईंट में पृष्ठ तो है ही पर पृष्ठ के साथ साथ आयतन भी है, इसलिए जितना स्थान उस बाल्टी में यानी जितना आयतन उस ईंट का था उस आयतन के बराबर पानी बाल्टी से बाहर निकल गया। तो हम चल रहे थे कि पदार्थ या वस्तु, तो पदार्थ वस्तु इन सब का द्रव्यमान भी होता है, भार भी होता है, और इनका आयतन भी होता है, यानी ये जगह भी घेरते हैं। आयतन से मुझे याद आया कि आयतन होता क्या है, वैसे हम आयतन की बात करें तो जो जितने भी द्रव्य अवस्था में पदार्थ होते हैं उनका आयतन हम लीटर में मापते हैं, और जो ठोस हैं, जो भारी भरकम हैं, जैसे अपने पास में लकड़ी का बड़ा सा गटर है, जैसे ये है, ये ठोस है, तो इसका भी आयतन तो है, पर इसका आयतन मेजर करने का जो यूनिट है, मात्रक है, वो अलग है। पानी कितना है, दूध कितना है, तेल कितना है, घी कितना है, जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी तरल हैं, जितने भी द्रव हैं, उनके मात्रक मापने के अलग होते हैं। सिंपल वे में मैं जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में द्रव को मापने के जो यूनिट्स होते हैं वो लीटर हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मात्रक हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट हैं
वो है लीटर, और भार यानी ठोस को, ठोस का आयतन मापने के जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब होती है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, पदार्थ की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि हमारे आसपास दिखने वाली वस्तुएं, हमारे आसपास दिखने वाली जितने भी वस्तुएं हैं वो जिस सामग्री से बनी होती है उन्हें पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ स्थान भी घेरता है और पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है। स्थान मतलब आयतन। मैं लिक्विड्स की बात करूं तो एक लीटर बराबर 0.001 और मीटर क्यूब ये आयतन होता है, ये दोनों में संबंध होता है, ये मीटर और लीटर में संबंध होता है कि एक लीटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 मीटर, देखना इधर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ गए, मीटर क्यूब का मतलब क्या वो समझो, कोई जगह 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर ही चौड़ी है, 1 मीटर ही गहरी है। यदि हम पानी का होज बनाएं, पानी का अंडरग्राउंड हम यदि टैंक बनाएं, यदि वो टैंक 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ही गहरा है, तो 1000 लीटर पानी आ सकता है। समझ में आ रही है? 1000 लीटर पानी आ सकता है। किस में आ सकता है? कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ सकता है। समझ में आ गई होगी इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? ये हुआ, यानी 1 लीटर इज इक्वल कितना होता है, 0.001 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 लीटर। ये दोनों बात याद होगी। अब मीटर की तो आपको पहचान ही आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि 1 मीटर इज इक्वल कितना होता है। 1 मीटर बराबर स्टूडेंट्स होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है? और 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। ये भी ध्यान में होगा आपको कि 1 सेंटीमीटर यानी इसमें जो आयतन से संबंधित यूनिट आई है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, बराबर 10 मिलीमीटर होता है स्टूडेंट्स। आया समझ में? 1 सेमी में 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 mm होता है। आपने स्केल देखी होगी, आपके पास स्केल होती है और स्केल में ऐसे लिखा होता है, इधर इधर तो जीरो होता है, फिर उसमें ऐसे छोटी छोटी छोटी, फिर एक थोड़ी बड़ी, फिर छोटी छोटी, फिर एक बड़ी, ऐसे लाइन होती है। यहाँ जीरो लिखा होता है, यहाँ 1 लिखा होता है, फिर यहाँ 2 लिखा होता है, तो 1, 2, 3 इसके पीछे 1, 2, 3, 4 और 1, 5 हो गई, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 हो गई, यानी इसके पीछे छोटी छोटी 10 लाइन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी 1 सेमी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी जो होता है, उस 1 सेमी में छोटी छोटी 10 लाइन होती है, वो 10 लाइनें mm कहलाती है। समझ में आ गया? मिलीमीटर कहलाती है। समझ में आ रही है चित्र? 1 सेमी में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लीटर पदार्थ का आयतन, ही पदार्थ कितना स्थान घेरता है, स्थान घेरने का मतलब होता है आयतन, और आयतन संबंधित यूनिट्स मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, जरा देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के स्वरूप क्या क्या होते हैं, पदार्थ का क्या क्या स्वरूप हो सकता है, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के स्वरूप अलग अलग होते हैं, और भौतिक आधार पर पदार्थ के स्वरूप अलग होते हैं। इस अध्याय में केवल हम भौतिक आधार पर पदार्थ के स्वरूप क्या क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है भौतिक आधार पर, यानी भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, और फिजिकली का मतलब समझते हो कि ये दिख रहा है वो फिजिकली है, और इस ये किस पदार्थ से मिलकर बना है, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे बनाया गया, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या सामग्री इसमें काम में ली गई, वो रासायनिक इसकी अवस्था है।
समझ में आ गई। जैसे चौक है, ये किससे बनी, ये मार्कर है, वो किससे बना, किस तरह बना, कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए, वो उनकी रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक कॉम्बिनेशन है, उनका केमिकल कॉम्बिनेशन है। बट जो दिख रहा है ये मार्कर है, वो इसका फिजिकल अवस्था है, फिजिकल इसकी पोजिशन है। तो ये भौतिक स्वरूप है, रासायनिक स्वरूप नहीं, भौतिक स्वरूप। ये किससे बना, कैसे बना, कौन सा मटेरियल काम आया, वो रासायनिक स्वरूप होगा, दिख रहा है वो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल इसका पोजिशन है। आगे बात करते स्टूडेंट, जरा देखिए कि पहला जो भौतिक स्वरूप है वो ये है कि पदार्थ, पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण होते हैं एक पदार्थ में, बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक, जो आंख से नहीं दिखते, ऐसे कण होते हैं। उन कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। जैसे आप देखिए, आप मैं एक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, लड्डू एक पदार्थ है, तो उसके अंदर छोटी छोटी बूंदी मिली होती है, वो बूंदी क्या हो गई, कण हो गए। लड्डू एक पदार्थ है तो बूंदी क्या है, कण है, और बहुत सारे कण मिलते हैं तो एक पदार्थ बनता है। वैसे ही आपको दिख रहा है कि साहब एक डस्टर है, पर इसकी लकड़ी में बहुत छोटे 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 कण मिलकर, जब आप इसको लकड़ी को पीसते हो, कभी आपने देखा होगा जब लकड़ी का काम चल रहा है तो ग्राइंडर से जो जो उसको ग्राइंड करता है, इसको जब आग छोटा बड़ा करता है, काटता है, तो जो डस्ट उड़ती है उसको आप हाथ में लेकर देखो, इसे ऐसे करोगे तो छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देगी। तो आप सोचना ये लकड़ी जो हमें इतनी साफ और सुंदर दिख रही है, वो बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको, प्रमाण देता हूं कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होता है। नहीं, मैं इसके विपरीत सोचता हूं कि पदार्थ तो लकड़ी की तरह बहुत सारी प्लेटें मिलकर बनी होगी। लकड़ी मतलब आपने प्लाई देखी होगी, प्लाई में बहुत सारी पतली 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 लकड़ियां जमा 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 की ऐसे प्लाई, छोटी मोटी ऐसे प्लाई बनाई जाती है। जैसे अपनी किताब है, किताब में छोटे छोटे पन्ने होते हैं, उनको जमाकर इतनी मोटी किताब बन गई, वैसे इतनी मोटी प्लाई बनाते हैं। तो मैं इसके विपरीत कल्पना करता हूं कि पदार्थ में परत होती है, छोटी छोटी परत होती है, कण नहीं होते। हम इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं कि पदार्थ कणों से ही मिलकर बना होता है, पर वास्तव में होता है, बट हम इसको सिद्ध करने के लिए सोचते हैं कि पदार्थ परतों से मिलकर बना हुआ होगा, ये मान लेते हैं। अब परतों से मिलकर बना है तो किताब में आप कुछ डालते हो पदार्थ, आपने किताब के किताब पूरी किताब हो परतों से मिलकर बनी है, आप उस किताब के ऊपर चीनी डालते हो, क्या चीनी वो नीचे निकल गई, नहीं निकली। आप चीनी को थोड़ा सा घोल करके पानी में मिलाकर डालो तो अभी पूरे के पूरी किताब में वो चीनी समाहित नहीं होगी, जहां पर डालो वहां जरूर हो सकता है गीला होते होते नीचे वाला पेज भी गीला हो जाए। पर देखना क्या है, मैं एक गिलास में पानी लेता हूं या एक बीकर में पानी लेता हूं, वहां मार्कर से निशान कर ले, एक कांच का गिलास ले ले, कांच के गिलास में पानी ले ले, और पानी लेकर देखिए स्टूडेंट्स, हमने कांच गिलास में पानी लिया और पानी कहां तक, उसमें एक मार कर देते थे, पानी यहां तक, इससे ऊपर पानी नहीं, इसको हम स्थिर कर दें तो आपको आराम से दिखेगा और बिल्कुल साफ दिखेगा, स्थिर कर देते हैं, हिलेगा नहीं, और मैंने पानी तक मार्क कर दिया, एक बार देखना। इस पानी में मैं एक चम्मच चीनी डालता हूं, एक चम्मच चीनी है ये, इस पानी में डालता हूं। देखिए आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा क्या इसमें फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है आपको लेवल पानी का, ये चीनी मैंने इसमें डाल दी, कुछ समय के लिए मैं छोड़ दें, आप देखना यहां पर क्या, जब तक ये चीनी इसके पेंदे में पड़ी है तब तक पानी का स्तर हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, क्योंकि ये अभी किस अवस्था में, ठोस में है, ठोस में है, कोई वस्तु तो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तो पानी को वहां से हटाया, पानी का स्तर हल्का सा बढ़ गया, देखोगे आपने, देखो इस निशान के ऊपर आ गया। अब मैं इसमें चीनी को अच्छी तरह से मिला देता हूं, चीनी को हम अच्छी तरह से गिलास में मिला देंगे, एक चम्मच हमने चीनी डाली है, पानी लिया हमने गिलास में,
और उस पानी का लेवल जहाँ था वहाँ पर हमने मार कर लिया, और मार करने के बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, में एक चम्मच चीनी डाली और चीनी को अच्छी तरह से इसमें हमने मिला लिया, चीनी को अच्छी तरह इसमें हमने मेल्ट कर लिया, चीनी अच्छी तरह घुल रही है इसमें, देखो घुल रही चीनी आराम से, आप देखते रहिएगा इसमें चीनी आराम से घुल गई, इसमें मिक्स हो गई। जब चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई, चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, उस स्थिति में वापस आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स वापस अच्छी तरह से देखिए इसको, मैं स्थिर मेरे हाथ पे लेता हूँ ग्लास को, और वापस जो पानी का स्तर है वहीं पर आ गया जहां पर हमने लिया था स्टार्टिंग में, वहां पर था। तो आप बताइए वो चीनी कहाँ गई, वो चीनी कहाँ गई? स्टूडेंट्स इससे ये सिद्ध होता है कि जो पानी के कण हैं छोटे छोटे, जो पानी पूरा बना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा गेप है, उन प्रत्येक कण के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और उस रिक्त स्थान में क्या हुआ कि चीनी के कण जब घुले तो घुलकर उस पानी के कणों के बीच में जो जगह थी उसमें समाहित हो गई। अब आप दो जने बैठे हो, बीच में जगह है, मैं आकर वहां बीच में बैठ गया तो हमें एक्स्ट्रा जगह की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। यदि आप बिल्कुल सटा सटा के बैठे हो, बिल्कुल जगह ही नहीं है थोड़ी सी भी पांव रखने की भी, फिर मैं आकर आपके बीच में बैठता हूं तो हमें और ज्यादा स्पेस चाहिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि पानी के बीच में छोटी थोड़ी थोड़ी जगह होती है, थोड़ा खालिस्तान होता है, उसमें आकर चीनी के कण समाहित हो गए, इसलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ाया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया अच्छा लगा है तो इसे अच्छी तरह पढ़ें समझें और होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।